नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। बीते दिन उड़ीसा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की युवा इकाई के राष्ट्रीय महासचिव सचिन महापात्रा के नेतृत्व में रन फॉर फार्मर्स मैराथन का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों लोगों ने न सिर्फ भाग लिया बल्कि एक अनूठी शुरुआत भी की। इस मैराथन को काफ़ी संख्या में लोगों ने अपना समर्थन भी दिया। तो वहीं दूसरी तरफ मैराथन के दौरान एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जिसमें भुवनेश्वर के शहरी इलाके में रहने वाले 30 परिवारों ने 30 ग्रामीण परिवार की जिम्मेदारी लेने का फैसला किया। दरअसल भुवनेश्वर में बीते दिन आयोजित हुई रन फॉर फार्मर्स मैराथन के दौरान ही वन फैमिली वन फार्मर अभियान की शुरुआत भी की गई थी, जिसके तहत ही शहरी परिवार किसी एक ग्रामीण परिवार की जिम्मेदारी लेगा। इस अभियान को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अभिमन्यु कोहाड़ का कहना है कि बदलते समय के साथ किसान संगठनों को भी जनता की जागरूक तरीके से बदलाव लाना पड़ेगा और रन फॉर फार्मर्स मैराथन उसी की एक कड़ी है। तो वहीं दूसरी ओर सचिन महापात्रा ने कहा कि आने वाले वक्त में इस तरह के कार्यक्रम देशभर के सभी शहरों में आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ व छोटी सी आशा NGO द्वारा आयोजित किया गया था, जिसे आयोजित करने में सचिन महापात्रा, शिवेंदु और संग्राम ने अहम भूमिका निभाई है। केंद्र सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कई कोशिशें करने में जुटी हुई है। आए दिन नई योजनाएं और नई स्कीमों के तहत किसानों की आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब सरकार ने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने पर अपना जोर दिया है। अपने इस मकसद को सफल बनाने के लिए सरकार ने कई राज्यों के लिए इसके नोडल एजेंसी और नोडल अधिकारी को भी नामित कर दिया है। तो वहीं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, नागालैंड, तमिलनाडु, असम, पंजाब और कर्नाटक ने राज्य कार्यवाही योजना को अंतिम रूप तक दे दिया है। आपको बता दें कि APIDA ने पूरे साल राज्य सरकारों के अधिकारियों और अन्य अंशधारकों के साथ राज्य कार्यवाही योजना तैयार करने को लेकर कई बैठकें तक की हैं। इनमें सभी जरूरी मुद्दों पर चर्चा भी की गई है, जिसके चलते नीति में सहकारिताओं की सक्रिय भूमिका के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के साथ MOU पर दस्तखत किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए योगी सरकार ने बड़ी राहत भरी खबर दी है। दरअसल योगी सरकार ने गन्ना किसानों को पिछले 33 महीनों में रिकॉर्ड 80,650 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जिसके चलते प्रदेश के गन्ना किसानों में काफ़ी खुशी का माहौल है। जिसके चलते योगी सरकार ने गन्ना किसानों का अधिकतर भुगतान कर दिया है, यानी कि योगी सरकार ने 2017 से 2019 के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा भुगतान किया है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार इस बार देश में चीनी उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन भी दे रही है। हालांकि अभी पेराई का पूरा सत्र बाकी है, यानी कि जैसे जैसे पेराई की मात्रा बढ़ेगी भुगतान भी बढ़ेगा। इसके अलावा खबरों की माने तो प्रदेश सरकार पेराई की मात्रा बढ़ने पर भुगतान की राशि भी बढ़ा सकती है। उत्तर भारत में एक बार फिर कोहरे की मार देखने को मिल रही है, जिसके चलते किसान काफ़ी परेशान हैं। किसानों को एक बार फिर पारा गिरने का डर सता रहा है। दरअसल रात भर अपनी फसलों को आवारा जानवरों से बचाने के लिए किसानों को पूरी रात खेतों में ही गुजारनी पड़ती है। तो वहीं ठंड बढ़ने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें भी खिंच गई हैं। इसके अलावा कोहरे के चलते किसानों की सरसों की फसल को भी काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। किसानों का कहना है कि इसी तरह अगर कोहरा बढ़ता गया तो वो सरसों की फली के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को यानी कि Green TV India को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में हमारी खबरों को लाइक और शेयर जरूर करें। बने रहिए यूं ही खेतीबाड़ी और किसानों की सभी खबरों के लिए। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि Green TV इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।